घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दो अहम विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पर आज लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा हुई, और चर्चा में तमाम तरह की जो जो भाषण के जो अंश जो जिस पे चर्चा की शुरुआत हुई, अलग अलग दलों के नेताओं की अलग अलग राय थी, स्वाभाविक भी है। लेकिन बीजेपी के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से जिन नेताओं ने भाषण दिया वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन जो अंदाज थे उनके उससे लग रहा था कि एक नई सियासत की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई कानून का कोई राज है। किसी तरह से आज मार्कंडेय कार्जुन ने कहा है कि वो जंगल राज, उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा मत्स्य न्याय की उन्होंने बात कही है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो स्थिति है ये क्यों है, ये दोनों चीज़ें पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने लोकसभा में कैसे शुरुआत की वो आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल महोदय, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत 6.14 था, आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 10% बढ़ा के 16.8%। असम में हम थे, वहां 16 से हम 32 पहुंचे, लेकिन तमिलनाडु में जहां 6.4% थे आज बढ़कर के 10.4% है और हम बढ़ रहे। सीटें नहीं आए महोदय, लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं इस देश में, और उत्तर प्रदेश में तो मत पूछिए, 17% पर थे, आज हम 42% पर आए। लेकिन ये क्यों हुआ महोदय? मैं भाजपा की कृपा, भाजपा के कारण मैं चुनाव लालू यादव से हारने के बाद मैं राज्यसभा में था, और उसके पश्चात मैं हर बार कहता था सदन में उठकर कि ये क्या है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और दिल्ली में यूपीए की सरकार को चलाने के लिए यहां एक साथ बैठे हैं। देश की जनता सब देख रही थी, और जो हम नहीं कर सके वो देश की जनता ने इन तीनों को सबक सिखा दिया, और ये पूरा का पूरा सबक ये सीख गए। उत्तर प्रदेश में आज एक परिवार के कुछ सदस्य बने हैं और एक पार्टी का तो पता ही नहीं चला कि वो कहां चले गए, वो विरोध के लिए भी सदन में नहीं आ पाए। हाउ डू वी प्रेडिक्ट द फ्यूचर? एलन के वॉज अ लिटरेचरिस्ट एंड अ फेमस मैन। He said, "How do we predict the future? भविष्य हमारा कैसे होने वाला है? Best way to predict future is to invent it. And the Bharatiya Janata Party and the workers of the Bharatiya Janata Party have invented Narendra Modi, and that is our future. महोदय, लेकिन आखिर ये पूरा मंडेट क्यों था? विश्वास के लिए। Aspirations तो होंगे, हर आदमी कुछ बड़ा बनना चाहता है, कुछ बड़े पद पर जाना चाहता है, लेकिन it's about hope, Mr. Huda. It's all about hope. और क्या विश्वास था हमारे प्रति, मिस्टर होप, इट वॉज ऑल अबाउट होप। और होप क्या था? एक साधारण गरीब का था कि 2 जून की रोटी हमें मिले, उसका विश्वास था नरेंद्र मोदी के प्रति। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के नेता और बीजेपी के सहयोगी दल के नेता रामविलास पासवान ने क्या कहा वो भी आपको कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी कहते थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आप कहते थे नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, आप कहते थे नरेंद्र मोदी हटाएंगे। ये जो है आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी ने 1971 में गरीबी हटाओ के, सुनिए, गरीबी हटाओ के नारा पर ही उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था। तो देश की जनता जब किसी व्यक्ति को व्यवस्था से नाराज होकर के और जब चुनने का प्रयास करती है तो आप उसको हमेशा कम्युनल सेक्युलर कहते हैं। 2000 आप बात करते हैं गोधरा राइट्स का, तो 2002 में तो हम मंत्री थे और हमने इस्तीफा दिया था। क्या वो कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफा दिया था? कितने लोगों ने इस्तीफा दिया था? बिहार में जब सोनिया जी बैठी हुई है बिहार में, जब हमने कहा 2005 में कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, तो क्यों नहीं आपने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों एनडीए की सरकार बनी?
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का कुछ अंश आप देख रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं, चर्चा इस पर करेंगे।